ये वीडियो देखिए। उनको लगता था कि गोवा की औपनिवेशिक सरकार पर आक्रमण करने से उनकी जो एक ग्लोबल लेवल लीडर की शांति प्रिय नेता की छवि है वो चकनाचूर हो जाएगी। गोवा को जो होता है होने दो, गोवा को जो झेलना पड़े झेलने दो, मेरी छवि को कोई नुकसान ना हो। और इसलिए जब वहां सत्याग्रहों पर गोलियां चल रही थी, विदेशी सल्तनत गोलियां चला रही थी, हिंदुस्तान का हिस्सा, हिंदुस्तान के ही मेरे भाई बहन, उन पर गोलियां चल रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सेना नहीं दूंगा, मैं सेना नहीं भेजूंगा। इस वीडियो में पीएम मोदी नेहरू जी पर इल्जाम लगाते हुए ये कह रहे हैं कि जब पूरा देश 1947 में आजाद हो गया था, उस टाइम पर नेहरू जी ने अपनी शांति दूत की इमेज बनाए रखने के लिए गोवा को और 14 सालों तक गुलाम बनाए रखा। अब ब्रिटिशर्स की गुलामी तो हम सबको याद है, लेकिन भारत ने ब्रिटिशर्स के साथ साथ फ्रांस और पोर्चुगल की भी गुलामी देखी है। 1947 में हम ब्रिटिशर्स से तो आजाद हो गए थे, लेकिन फ्रांस से आजादी हमें 1954 में मिली, और पोर्चुगीज को भारत से खदेड़ने के लिए हमें 1961 तक का वेट करना पड़ा। और इसी बात को लेकर पीएम मोदी ने नेहरू जी पर ये तंज कसा था। अभी कुछ दिन पहले 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे था। इस दिन 1961 को भारत ने पोर्चुगीज को गोवा से भगाया था। तो आओ आज के इस वीडियो में देखते हैं कि पोर्चुगीज ने गोवा को कैसे कॉलोनाइज करा, हमने गोवा को फ्री करवाने के लिए इतना लंबा वेट क्यों किया, और फाइनली गोवा पर पोर्चुगीज के 450 साल के राज को कैसे हमने सिर्फ 36 घंटों में दफन कर दिया था। इस वीडियो के थ्रू आपको 1960s की जियोपॉलिटिक्स को भी समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक जरा ध्यान से देखना। गोवा में पोर्चुगीज आए थे 1510 में। उस टाइम पर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का यहाँ पर राज था। इनको पोर्चुगीज जनरल अल्फोंसो डी अल्बाकुर्की ने हराकर गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया था, और अगले 450 सालों तक गोवा पर पोर्चुगीज का ही कब्जा रहा। ब्रिटिशर्स का भारत पर रूल सिर्फ 200 सालों का था, और इनकी क्रुएल्टी के किस्से तो हमने अपने स्कूल टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं, लेकिन पोर्चुगीज का जो 450 साल तक का राज था वो इनसे भी ज्यादा क्रूअल था। पोर्चुगीज गोवा आए थे वैसे तो मसालों के लिए, और यहाँ से वो उस टाइम पर जो फेमस मालाबार ट्रेड रूट होता था उस पर कंट्रोल करना चाहते थे, जो दुनिया भर में मसालों के लिए सबसे पॉपुलर रूट था उस टाइम पर। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने गोवा के लोगों की सोशल लाइफ पर भी अपना कंट्रोल दिखाना शुरू कर दिया। इन्होंने मास कन्वर्जन किए, मंदिर तोड़कर उस पर चर्च बनवाए, घर के अंदर क्रॉस लगाना कंपलसरी कर दिया, और घर में पूजा करने वाले को जिंदा जलाने तक की सजा देने लगे। हिंदुओं को अगर एक लैंड भी परचेज करनी होती थी तो उसके लिए पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना पड़ता था। ये एक तरह का कल्चरल जेनोसाइड था, और ये काफी वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसके बारे में अगर आप चाहो तो दी गोवा इंक्विजिशन नाम की किताब में और डिटेल में पढ़ सकते हो। और ये बस 5-10 साल के लिए नहीं था, बल्कि लगातार डेकेड आफ्टर डेकेड यही प्रैक्टिस गोवा में चल रही थी। फिर आई 19 सेंचुरी, जब पूरे देश में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी, और इसी टाइम पर गोवा के अंदर भी लोगों ने पोर्चुगीज के अगेंस्ट आंदोलन करने शुरू कर दिया। इसे रोकने के लिए पोर्चुगीज ने लोगों पर जुल्म और ज्यादा बढ़ा दिया। 1920s आते आते पॉलिटिकल रैलीज, स्पीचेस, मीटिंग्स, हर एक चीज पर बैन लग चुका था। इसी बीच गोवा के एक एक्टिविस्ट ने इन लोगों में एंटी पोर्चुगीज पैम्फलेट बांटने शुरू कर दिए और आंदोलन को आगे बढ़ाया। इनको लोगों का खूब सपोर्ट भी मिला। फिर 1928 में बनी गोवा कांग्रेस कमेटी ने इस टाइम पर गोवा में सत्याग्रह शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर मेन फोकस बाकी देश से ब्रिटिशर्स को भगाने के ऊपर था, इसलिए जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने गोवा को फ्री कराने पर उतना ध्यान नहीं दिया। 1946 में राम मनोहर लोहिया जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर आजाद गोमांतक दल भी शुरू किया था, और पोर्चुगीज को घुटने पर लाने के लिए सत्याग्रह लॉन्च कर दिया था। लेकिन इससे पहले आंदोलन पॉपुलर होता, उनके हजारों सपोर्टर्स के साथ उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसके साथ ही गोवा लिबरेशन की जो डिमांड थी वो कमजोर होती चली गई। उस टाइम पर नेशनल लीडर्स को ये लगता था कि भैया गोवा तो एक छोटा सा एरिया है, जब हम पूरा देश अंग्रेजों से आजाद करवा लेंगे उसके बाद गोवा से पोर्चुगीज को भगाना चुटकियों का काम होगा। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि पोर्चुगीज का कुछ और ही इरादा था। उस समय पोर्चुगल में सालाजार पावर में था, और गोवा को लेकर वो मानता था कि ये तो पोर्चुगल का इंटीग्रल पार्ट है, इसे किसी भी कीमत पर हम किसी और को नहीं दे सकते। जब भारत 1947 में आजाद हो गया, तब नेशनल लीडर्स ने गोवा के बारे में भी डिस्कस करना शुरू किया। उस टाइम पर दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन सिंपल था, आर्मी भेजो, काम खत्म करो, गोवा को फ्री करा लो। दूसरा ऑप्शन था कि पोर्चुगल से डिस्कस करो, डिप्लोमेटिक तरीके से गोवा को आजाद करवाओ। भारत उस टाइम पे नया नया आजाद हुआ था, आजादी के टाइम 565 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंक्लूड किया गया था। आजादी के साथ ही भारत का विभाजन हो गया, आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान से हमने लड़ाई भी लड़ी, और ऐसी सिचुएशन में एक और वॉर को अवॉइड करने के लिए भारत के लीडर्स ने गोवा के साथ एक डिप्लोमेटिक रास्ता चूज किया। राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, नेहरू जी, ये सारे नेशनल लीडर इस बात पर अग्री करते थे कि वॉर डिक्लेयर करने से पहले एक डिप्लोमेटिक
डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी जरूरी है। 1950s में नेहरू गवर्नमेंट ने पावर ट्रांसफर के लिए पोर्चुगीज गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना शुरू कर दिया, लेकिन इस टाइम पर जो पोर्चुगल का डिक्टेटर था सालाजार, उसका ये कहना था कि भैया जब 1510 में हम गोवा के अंदर आए थे और इसे कंट्रोल करा था तब भारत ब्रिटिशर्स के अंडर था और यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। अब भारत ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ है लेकिन गोवा आज भी पोर्चुगल का पार्ट है और हम किसी भी कीमत पर इसे नहीं जाने देंगे। 1953 आते आते दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ने लगी, जो डिप्लोमेटिक रास्ते थे वो फेल होते हुए दिख रहे थे। 12 अप्रैल 1954 में सालाजार ने नेशनल रेडियो पर आकर ये साफ कर दिया कि गोवा से पोर्चुगीज कहीं नहीं जाएंगे। उस टाइम पर गोवा के साथ साथ दादरा एंड नगर हवेली पर भी पोर्चुगीज का कब्जा था और इस अनाउंसमेंट के बाद आजाद गोमांतक दल, RSS, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवा, नेशनल मूवमेंट लिबरेशन यूनिट, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ मिलकर कोएलिशन बनाया और दादरा एंड नगर हवेली को पोर्चुगीज से आजाद करवा लिया। और यहाँ पर पोर्चुगल अपनी आर्मी नहीं भेज पाया क्योंकि गोवा से ये जगह बहुत दूर थी और वहां तक इनको अपनी आर्मी भेजने के लिए भारत की सरकार की परमिशन चाहिए थी। पोर्चुगल को लगने लगा कि भैया धीरे धीरे गोवा अब उनके हाथों से स्लिप हो रहा है और इसको रोकने के लिए उन्होंने गोवा के अंदर रिवोल्यूशनरीज की एंट्री तक बैन कर दी, रेलवे लाइन, डाक लाइन सब कुछ काट दी। बदले में भारत सरकार ने भी गोवा पर इकोनॉमिक सेंक्शन लगा दिए, फूड आइटम की सप्लाई रोक दी, इसलिए वहां पर जो पोर्चुगीज रहते थे उन्हें नीदरलैंड से आलू मंगाने पड़े, पोर्चुगल से वाइन, चावल सब्जी के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान जाना पड़ा। 5 साल और निकल गए, अभी भी लेकिन भारत की सरकार गोवा पर अटैक नहीं कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पोर्चुगल वर्ल्ड वॉर टू में न्यूट्रल रहने की वजह से यूएसए से सपोर्ट ले चुका था, यूएस के सपोर्ट की वजह से नेटो का मेंबर भी बन गया था और नेटो चैप्टर आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नेटो कंट्री पर मिलिट्री एक्शन होता है तो नेटो की पूरी आर्मी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाएगी और भारत इस तरह की वॉर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मिलिट्री अटैक ना करने का एक ये भी रीजन था कि 1955 में फ्रांस ने पीसफुली नेगोशिएट करके भारत के जो कुछ एरिया पर उनका कंट्रोल था वो भारत को वापस कर दिए थे, तो भारत को लग रहा था कि शायद सालाजार भी मान जाए और इसी तरह से गोवा भी हमें वापस मिल जाए। अटैक ना करने की तीसरी वजह थी चाइना। चाइना के साथ भारत ने पंचशील अकॉर्ड उसी टाइम पर साइन करा था। 1950s में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करा तब चाइना के एक्सपेंशन को रोकने के लिए नेहरू जी ने इन अकॉर्ड पर साइन करा था, जिसमें एक दूसरे की टेरिटरी को रेस्पेक्ट करना, नॉन एग्रेशन और नॉन इंटरफेरेंस जैसी बातें लिखी गई थी। अब फोर्सफुली अगर गोवा को उस टाइम पर कैप्चर किया जाता तो इसका मतलब यह था कि भारत अपने आदर्शों से पलट रहा है, ऐसा करने पर चाइना भी भारत की तरफ और ज्यादा एस्केलेट कर सकता था। नेहरू जी उस टाइम पर काफी प्रो चाइना एटीट्यूड के साथ काम कर रहे थे, वो बात अलग है कि आगे चलकर उनकी एनालिसिस गलत प्रूव हुई और चाइना ने अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी उस पर ही काम करा। लेकिन अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि उस टाइम पर क्या रीजन थे जिसकी वजह से उस टाइम की जो लीडरशिप थी वो गोवा को फोर्सफुली टेक ओवर करने को लेकर थोड़ा संकोच कर रही थी। लेकिन जैसे पीएम मोदी जी ने आज नेहरू जी को क्रिटिसाइज कराया, वैसे उस टाइम पर भी नेहरू जी के इस डिसीजन को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रही थी भारत के अंदर। इवन उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन ने तो नेहरू जी को खरी खोटी सुना दी थी, उन्होंने नेहरू जी को एक हिपोक्रेट बताया था। उनका कहना था कि भैया जो नेहरू जी दुनिया भर में अत्याचारों पर अपनी बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, अपने देश में ही हो रहे अत्याचार पर एकदम चुप कैसे बैठे। देखते देखते 1950s का पूरा डेकेड निकल गया और 1960 आ गया। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि अब शायद बंदूक की नोक के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं। फॉर्चुनेटली इसी टाइम पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में 2-3 मेजर चेंजेस हो गए जिससे ये काम थोड़ा और आसान हो गया। 1960 में यूएन ने गोवा को एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये था कि गोवा अब नेटो का पार्ट नहीं है, तो अब नेटो की कोई आर्मी यहां बीच में नहीं आएगी। इसी टाइम पर JFK यूएस के प्रेसिडेंट थे और उस टाइम पर उनके भारत के साथ रिलेशन काफी अच्छे थे और यूएस वैसे भी बिजी था क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ उनकी कोल्ड वॉर चल रही थी। और इतनी फेवरेबल कंडीशन के बीच में अक्टूबर 1961 में नेहरू जी ने एक स्पीच देकर ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया गोवा को अब भारत का पार्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सब हो ही रहा था कि 24 नवंबर 1961 को पोर्चुगल ने अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। भारत का एक शिप गोवा के पास से गुजर रहा था जिस पर पोर्चुगीज फोर्सेस ने फायरिंग कर दी और इस हमले में हमारे एक भारतीय पैसेंजर की डेथ हो गई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और जो प्लान धीरे धीरे बन रहे थे उनमें इसने एक कैटलिस्ट की तरह काम करा। भारत की नेवल, एयर और लैंड फोर्सेस रेडी हो गई। 2 दिसंबर से भारत के अलग अलग पार्ट से जो सोल्जर्स थे उनको गोवा के पास बेलगाम में इकट्ठा किया गया। इस समय पोर्चुगल अपना यूएस वाला कार्ड पूरी तरह से खेलने की कोशिश करता है। नेहरू जी को इस मिलिट्री एक्शन से रोकने के लिए यूएस से डिप्लोमेट भेजे जाते हैं। जब इससे बात नहीं बनी तो 16 दिसंबर को खुद यूएस के प्रेसिडेंट JFK ने नेहरू जी को लेटर लिख के ये अटैक ना करने के लिए बोला। पोर्चुगल को लगा कि शायद भारत यूएस की बात थोड़ी टालेगा, तो उनकी भी चिंता थोड़ी कम हो गई। वो इतने रिलैक्स हो गए कि नेक्स्ट डे भारत ने जब अटैक करा तो पोर्चुगीज कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल एक शादी में बिजी थे। इसी शादी वाले दिन भारत ने लॉन्च करा ऑपरेशन विजय। 17 दिसंबर की रात गोवा को चारों तरफ से भारत के सोल्जर्स ने एंटर कर दिया। 18 दिसंबर की सुबह 6 अंटर एयरप्लेन के साथ गोवा के रेडियो स्टेशन को उड़ाकर गोवा का बाकी दुनिया से कनेक्शन भी कट कर दिया गया। एयरपोर्ट के रनवे पर 63 बम गिराकर बाहर से किसी भी एयरफोर्स की एंट्री इम्पॉसिबल कर दी। नेवल फोर्सेस से INS मैसूर और INS त्रिशूल भी वहां पर तैनात कर दिए गए।
18 दिसंबर की सुबह गोवा में चारों तरफ भारत का कंट्रोल हो चुका था और शाम तक गोवा की राजधानी पणजी पर भी भारत का झंडा फहरा रहा था। बीच बीच में भारत के जो एयरफोर्स थे वो पैम्फलेट भी गिरा रहे थे वहां के लोगों को ये बताने के लिए कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब आप आजाद होने वाले। भारत की आर्मी की तीनों विंग्स ने मिलकर कुल 36 घंटों में इस 450 साल पुरानी पोर्चुगीज की रिजीम को घुटनों पर ला दिया और 19 दिसंबर की रात को सरेंडर सेरेमनी रखी गई। रात के 9:15 पर पोर्चुगीज गवर्नर जनरल ने इस सरेंडर सर्टिफिकेट पर साइन करके ऑफिशियली गोवा को भारत के हवाले कर दिया। अब इसके बाद काफी सारे देशों ने इस स्टेप को लेकर भारत को क्रिटिसाइज भी करा। 1962 में यूएस ने भारत की जो फॉरेन एड थी उसको 25% कम कर दिया। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत क्रिटिसिज्म करी मगर इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। वहीं पोर्चुगल ने गोवा के लिबरेशन को गोवा के एनेक्सेशन की तरह देखा। सालों तक भारत और पोर्चुगल के रिश्तों में खटास बनी रही। सालाजार ने दुनिया भर में जा जाकर भारत को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करी लेकिन 1974 में पोर्चुगल ने खुद ही सालाजार की डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया और डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली और इवेंचुअली भारत के साथ इनके रिश्ते भी अच्छे हो गए और इवेंचुअली 31 दिसंबर 1974 को पोर्चुगल ने ऑफिशियली दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और गोवा इन को भारत का पार्ट एक्सेप्ट कर लिया। भारत की ऐसी जो कहानियां है वो टिपिकली इग्नोर हो जाती हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हें याद करते रहे, एक दूसरे को बताते रहे। मैं इसीलिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता हूं और आप इसे शेयर कर दिया कर। बाकी वीडियो देख के अगर आपके मन में कुछ भी आया हो वो कमेंट में जरूर लिखना। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।